24 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा में एक दिवसीय दौरा है। विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाम सावली को हनुमान लोग की सौगात देने वाले छिंदवाड़ा शहर में भी जन दर्शन होगा, जनसभा होगी। आखिर कार्यक्रम क्या है, हम कलेक्टर छिंदवाड़ा से जानने की कोशिश करेंगे। सर, IBC 24 में स्वागत है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं छिंदवाड़ा, क्या है कार्यक्रम, क्या प्रोग्राम? जैसा अभी आपने बताया है, सबसे पहले जाम सावली आएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वहाँ पे हनुमान लोक की जो भूमि पूजन का काम है वो किया जाएगा। पूजन दर्शन और भूमि पूजन का काम करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय छिंदवाड़ा के लिए आएंगे। छिंदवाड़ा में जब शहर में जन दर्शन के माध्यम से लोगों से मुलाकात करते हुए कार्यक्रम स्थल पर आएंगे, कार्यक्रम स्थल से राज्य स्तरीय जो रोजगार का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के माध्यम से डिस्पर्समेंट की कार्यवाही यहाँ से होगी पूरे प्रदेश में। महिला सम्मेलन का कार्यक्रम होगा, बहुत सारे विकास कार्यों का, लगभग 1400 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण का काम है, जिसमें माचा गोरा जल प्रदाय जो योजना है उसका भी लोकार्पण है और विभिन्न अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। फिर महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है, तदुपरांत 3 बजे के आसपास फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ से प्रस्थान। छिंदवाड़ा जन दर्शन करने वाले, जन दर्शन का जो रूट है वो क्या है? अनगढ़ हनुमान मंदिर के पास से जन दर्शन की शुरुआत इमलीखेड़ा से चंदनगांव होते हुए हनुमान मंदिर के पास आएंगे और वहाँ से जन दर्शन करते हुए फिर कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। हमारे साथ SP साहब भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके रूट को लेकर क्या है मामला, बताइए। जैसे माननीय कलेक्टर साहब बता चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है जन दर्शन का है और उसका कार्यक्रम स्थल में आने का है, तो शहर का जो ट्रेडिशनल एरिया है जिसमें फवारा चौक से शुरू करते हुए गोलगंज इत्यादि छोटा तालाब वगैरह कवर होगा और वहाँ से होते हुए 4 फाटक और अन्य ऐसे स्थान कवर होंगे, तो यहाँ पर हमने ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान ट्रैफिक की सहायता से लगा के रखा है और ये बार और विज्ञप्ति के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी हो चुका है, तो पब्लिक को उम्मीद है कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी और जो भी एसेंशियल सेवाएं और ट्रैफिक वो भी लगातार चलता रहेगा, साथ में अभियान भी चलता रहेगा। और इसके अतिरिक्त हमारे पास लगभग एडिशनल फोर्स की मांग हमने जोनल स्तर से की है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200-300 अतिरिक्त पुलिस बल हम लगाएंगे, कुल इस तरह से 300-400 का फोर्स डिप्लॉयमेंट हम करेंगे एंड उम्मीद है पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी और जन दर्शन जनव्याप भी स्मूथली होगा। सर, हनुमान लोक के लिए भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सौसर में भी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी? जी, जो मैंने संख्या बताई उसमें सौंसर व्यवस्था भी शामिल है। सौंसर में बहुत ब्रीफली हमें हाईवे पे हल्का सा स्टॉप लगाना पड़े, मुश्किल से 5-10 मिनट का, कोई हाईवे ब्लॉक का या कोई लंबा चौड़ा डाइवर्जन की आवश्यकता नहीं वहाँ महसूस हो रही है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम इस तरह से प्लान किया है कि पब्लिक को कम से कम असुविधा हो, इसलिए वहाँ पर जाके हनुमान लोक का उद्घाटन और भूमि पूजन करके बहुत शीघ्र ही लौट के फिर छिंदवाड़ा में ज़्यादा समय होगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक दिवसीय छिंदवाड़ा दौरा होगा, जिसको लेकर कलेक्टर और SP ने जानकारी दी कि आखिर सौगात क्या देने वाले हैं, रूट डायवर्शन कैसा रहेगा, जनदर्शन का कार्यक्रम क्या रहेगा। अजय द्विवेदी, IBC 24 छिंदवाड़ा।